अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आया तो था फार्म पे, बट जो है कि अपडेट के हवाले से मेरे दिल नहीं हो रहा था। तबीयत जो है ना अजीब ही चल रही है, दो तीन दिन से तो वैसी चल रही थी, आज भी अजीब सी चल रही थी। सुबह उठते ही सर में दर्द शदीद था। खैर बहरहाल आज की वीडियो मैंने बोला कुछ आपके सवालात आते ही रहते हैं कमेंट्स में, तो मैंने बोला मौका लग नहीं पाता सही से। काफ़ी लोगों के सिमिलर सवाल भी होते हैं, तो लास्ट वीडियो मैंने सोचा है कि जो उस पर कमेंट्स आए हैं साथ साथ पढ़ते भी जाते हैं, आपको सुनाता भी रहता हूँ और उनके रिप्लाई उसमें आपका भी, अगर आपका कमेंट किया हुआ है तो उसका भी रिप्लाई हो जाएगा। बाकी ये राजा मेरे साथ मौजूद है और आज मैंने इसको जो है ना अपना बहुत टाइम दिया है ना, बहुत टाइम बाद मैंने इसको कोई इसके साथ तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे से मैं इसके साथ जो है ना वो इसको प्यार व्यार कर रहा हूँ और इसको साफ़ वाफ किया है, साफ़ था फिर भी और साफ़ किया। तो मैंने बोला इसको यहाँ बंधा हुआ तो यहीं पे, तो मैंने बोला चलो आज साथ साथ करते हैं। तो भाई वीडियो में कमेंट्स आएंगे, अब देखते हैं भाई। फिर इंशाल्लाह कभी मैं इस ऐसी वीडियो को ना इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करके करूँगा कि जब मैं आपसे कहूँगा कि भाई वही क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो जो कहलाती है ना, तो आपके सवाल और उनके जवाब फिर देंगे। बाकी ये है कि भाई शुरुआत कर लेते हैं। तो जो कल की वीडियो है ना मैं उसकी बात सबसे पहले लेके चल रहा हूँ, तो उसमें आपके साथ स्क्रीन पे जो है ना यहाँ पे साइड में लिखे हुए भी आ जाएंगे, तो हम हार्ड भी देते रहेंगे साथ साथ, जो जो कमेंट आएगा इंशाल्लाह वो उसका रिप्लाई करते रहेंगे। तो फर्स्ट का रिप्लाई है भाई, सबसे पहला जो आया था ये ज़मीन अली जो है इनका आया था। तो भाई जी बिल्कुल सबसे पहले आप हैं। बाकी हसन रज़ा का सलाम आया था, वालेकुम अस्सलाम। इनोसेंट करके भी कोई फर्स्ट था, फिर उसके बाद वासी वारिस रजा फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। मेरे असल में आँखों पे फ्लैश का वो आ गया, मुझे सब नाम पढ़ने फौरन नहीं पढ़ पा रहा। अच्छा जी कॉस्मेटिक करके कुछ है, फिर है मशाल, फिर है इनोसेंट फर्स्ट व्यू मानिए, फिर से इनके कमेंट काफ़ी आते हैं। फिर इंटरटेनमेंट वर्ल्ड करके है, फर्स्ट व्यू फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट, हालांकि इतना देर बाद होता है। तो ये है अब्दुल रज़ा, ये भी कहते हैं एम फर्स्ट। यूसुफ खुशका ये कैसा नाम है, यूसुफ खुशका। तो भाई सलाम भाई, अल्लाह आपको कामयाब करे, वालेकुम सलाम, जज़ाकल्ला। अच्छा जी हुसैफा राफे कहते हैं फर्स्ट, हालांकि काफ़ी चले वो आपके सबके अपने हिसाब से होता है क्योंकि फ़ौरन कमेंट्स नहीं आ पाते ना, लाइक सबसे पहले फ़ौरन हो जाता है, यानी व्यू भी लिखा हुआ नहीं आ रहा था, ज़ीरो लिखा हुआ आ रहा था, लाइक 50 to 60 या जब अच्छी कोई होते हैं तो 100 व्यूज़ भी वो 100 लाइक्स हो जाते हैं लेकिन व्यूज़ ज़ीरो आ रहा होता है, तो ये चक्कर है शायद इस वजह से। अच्छा जी हसन रज़ा का कुछ, ये दूसरे कोई हसन रज़ा है। मानी भाई आप कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। अच्छा जी दस्तक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, क्या हाल है सर, आपसे रابطہ करना हो तो क्या करें। ये आई गेस काफ़ी लोगों का सवाल होगा, तो आप वेट करें, जब किस हवाले से असल में रابطہ करना होता है ना वो कमेंट में ही बता दिया करें, ठीक है ना। जब आप कमेंट में बता देंगे भाई मुझे इस हवाले से रابطہ करना है, तो मुझे उसके लिए टाइम होगा मेरे पास, तो मैं इंशाल्लाह आपको बोल दूँगा, आप अपना नंबर शेयर कर दें, मैं आपको कांटेक्ट खुद कर लूँगा फिर। सो जी हाई करके क्रेडिट कार्ड है, सलाम वानी भाई करते हैं हुनैन नदीम, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह राजा ब्रैकेट में करके लिखा है भाई अब्दुल अहद ने, काफ़ी कमेंट करता रहता है ये। अच्छा जी इनको रिप्लाई किसी ने दिया था, खैर बहरहाल जदाकल्ला। सलाम मानी भाई, रयान कैटल वीडियोस जो है वो कहते हैं वालेकुम सलाम, कराची ऑलराउंडर कहते हैं सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा जी मोहम्मद सॉरी मिस्टर हुसैन हसन, यार वो फ्लैश बार बार देख रहा हूँ ना, तो उस फ्लैश की ऐसे एक डॉट बना हुआ आ रहा है जो सेंटर में आ रहा है। जी वालेकुम सलाम, माशाल्लाह इनका दूसरा कमेंट है, वालेकुम सलाम कह रही हूँ दा। और राजा ये दो हर्ट बनाए हुए राजा के लिए, तो राजा खुद सामने आ गया है कैमरे के। और कहाँ जा रहे हो हैं, कहाँ जा रहे हो, थोड़ा सा कुर्सी के ऐसे असल में डर रहा था। माशाल्लाह करके कमेंट एक और आया हुआ भाई कॉस्मेटिक, जिनका फर्स्ट लिखा हुआ था माशाल्लाह। जाकिर भाई भी कमेंट करते रहते हैं, नवल यूसुफ माशाल्लाह कहते हैं या जो भी हैं ये। राजा
वही कॉस्मेटिक का और मक्खन के बाद अब क्या खिला रहे हैं, ये दो तीन वीडियो से ये कमेंट आई गेस यही कह रहे थे या कोई और भी कह रहा था। तो भाई मक्खन के बाद अभी चल रहा है गैप, मैंने पहले भी बताया था कि मक्खन 15 दिन चलेगा, उसके बाद होगा 10 से 15 दिन का गैप, यानी कुछ नहीं है अभी इस टाइम पे। सरसों का तेल आप समझ सक कह सकते हैं थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग भी चलाएं तो दोपहर के वक्त में चलाना है किसी भी जानवर को, बाकी अभी फ़िलहाल कुछ नहीं चल रहा। घी स्टार्ट होना है इंशाल्लाह एक आध दिन में, अभी अरेंज करना है, और तो होपफुली वो इसी वीक के अंदर अंदर आ जाएगा, तो घी इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। क्योंकि हमारा मक्खन के बाद अभी आई गेस 10 दिन तो हो ही गए हैं ऑलमोस्ट, तो मेरा 10 से 15 दिन का गैप लेने का इरादा था, तो वही चीज़ है। अच्छा जी, मक्खन के वही आ गया, ठीक है जी। गोट्स को सुन नहीं करते, देखें गोट्स को सुन नहीं करते, मैं जब ब्लेड वाला होता है तब भी आई गेस सुन नहीं किया था। देखिए सुन करना थोड़ा सा रिस्की होता है, और जो कमज़ोर जानवर हो या छोटे जानवर हो उनके लिए और ज़्यादा रिस्की होता है, बड़ा जानवर को नीड है उसके लिए ज़रूरी है, तो इस वजह से किया था। ये आई गेस आगे चल के और भी कमेंट्स आएंगे, तो मैं इस बात को क्लियर करता चलूँ कि सुन इससे पहले कभी भी मेरा नहीं ख्याल पंच करने में हमाद भाई ने कभी सुन किया, उसके बाद जो इंजेक्शन लगे वो दर्द वगैरह के ही हैं। तो आप जो लोग इस चीज़ का कंसर्न कर रहे थे कि भाई इनको भी थोड़ा सा सुन वगैरह कर देते, तो वो मुनासिब नहीं है उसके लिए, तो इसलिए नहीं किया। तो अभी मैं इंशाल्लाह कि आगे वाली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में दिखा दूंगा। बकरे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट चल रहे हैं अल्लाह के करम से, और इससे पहले भी मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। हार्डली पंच में मुझे कोई बहुत मुश्किल फेस करने को मिली हो, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काफ़ी बेहतर ही रहता है मामला अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा जी, नीम की ट्री लगाओ फार्म पे, नीम की, अच्छा एक मिस कर दिया, मुजम्मिल का, मोहम्मद मुजम्मिल का, ब्लेड वाला करवा लिया करो, एक बार की तकलीफ है इसमें तो अजियत होती है और परफेक्ट भी नहीं होता। देखें ब्लेड वाले में और इसमें मुझे अजियत और उसकी बात तो खैर अपनी जगह, देखें ये वन टाइम ही होता है, पंच में भी एक ही दफ़ा में ही तकलीफ है उसकी, जब रगे दबी है बस, ब्लेड में भी जब वो निकलता है चीरा लग के तो वही है, उसके बाद थोड़े दिन तक रहती है, उसके बाद वो सेट रहता है। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि बार बार कुछ हो रहा है, ठीक है ना, सही से अगर पंच हो जाए तो वो एक दफ़ा में ही सही रहता है, तो ये बात है। और मुझे इसमें ज़्यादा एक इजी रहता है जानवर को संभालने में, इस वजह से मैं ये करवाता हूँ। नीम की ट्री लगवाओ, तो नीम के दरख्त अभी बड़े हो रहे हैं हमारे, और जो है ना अभी छोटे हैं, नसर भाई ने भी लगाए हैं 3-4 यहाँ पे फार्म पे लगे हुए, और ये मैंने चलो सब ये वैसे तो हर चीज़ ही पूरा जिस्म ही साटता रहता है मेरा। अच्छा जी, राशिद मज़र भाई सलाम और माशाल्लाह और सुभान अल्लाह कहते हैं, ये भी काफ़ी कमेंट करते रहते हैं वीडियोस पे, बहुत शुक्रिया। अच्छा साद भाई, जिनका टेढ़ा मैंने बताया था कि उन्होंने लिया हुआ है, खा जा तू मेरा पैर ही खा जा, तो वो सर वालेकुम सलाम साद भाई, और वो कह रहे हैं जज़ाकअल्लाह, वो यकीनन वो उसी वीडियो उस पर कहते हैं। अच्छा जी, राजा को हर्ट दिया हुआ इन्होंने राशिद भाई ने। अच्छा अंसारी उसामा, मानी भाई महाराजा को भी मिल्क और लाइट वनडे पर शिफ्ट कर दो भाई, वो माशाल्लाह वो ऐसे ही टॉप चल रहा है अल्लाह के करम से। अच्छा जी, राशिद भाई का सलाम नसर भाई और सलाम मानी ब्रो, तो नसर भाई को सलाम दे रहे हैं वो, मैं उनको भी करवा देता हूँ वालेकुम सलाम मेरी तरफ से, क्योंकि ये काफ़ी मरता है करते हैं, सबको सलाम करते हैं वैसे। मदी मलिक, मदी मलिक या मादी मलिक जो भी है ये, माशाल्लाह राजा इज़ बैक, राजा इज़ बैक। कल की वीडियो में असल में राजा के साथ ही ना, इसलिए मैंने बोला आज भी वीडियो राजा के साथ कर दें, ताकि सवाल आए तो उसके हिसाब से जाओ। अब चुभ रहा है, सिर्फ राजा की वजह से पूरी वीडियो देखी, तो भाई अब पूरी वीडियो में राजा देखो बस। अच्छा जी, हमाद साहब से कांटेक्ट करो तो वो सिर्फ टोपी यार थोड़ा सा सब है। देखिए हमाद भाई को आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके उनको बोलें कि भाई आपका आप नहीं आ सकते तो किसी बंदे को भेजें, कोई भी आपका जो दूसरा डॉक्टर आपके उसमें है तो आप उसको भेजें, इंशाल्लाह वो भेजेंगे, अपना एड्रेस वगैरह बता दें, क्योंकि देखें बहुत ज़्यादा टफ़ है, आप
अगर आप फार्म के लेवल पे बुलाएंगे इंशाल्लाह हम माद भाई बिल्कुल आपको ऑब्वियसली अगर आप घर के लिए भी कर रहे हैं तब भी आने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं वो, लेकिन थोड़ा सा वो एक उनके लिए भी टफ़ है क्योंकि जॉब बहुत टफ होती जा रही, काम उनका माशाल्लाह बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से बाहर सब्र करें। अच्छा जी, आमिर इकबाल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मनी भाई फॉक्सी किसका बछड़ा है और आपके पास कितने टाइम से है, प्लीज़ रिप्लाई इन कमेंट और वीडियो। अच्छा जी, ये मेरे ख्याल है दिसंबर में आई गैस आया था पिछले साल की, यानी एक साल अब होने वाला है इंशाल्लाह, इसका साल हो जाए तो फिर बिफ़ोर आफ्टर इंशाल्लाह करूँगा। अब बहुत चुभ रही है इसकी ज़बान। तो ये सात भाई जिनका हमारे पास शपाटर है लास्ट ईयर, जिनका भोला और सुल्तान था, तो ये उनका है फॉक्सी। बस बस। अच्छा जी, माशाल्लाह कह रहे हैं बुरहान सिद्दीकी भाई, बकरों की चीखें। हाँ यार बेचारे, कोई होता है, अब क्या करें, माशाल्लाह कह रहे हैं। तहा भाई थोड़ा जल्दी होना पड़ेगा, बकरे बेचारे बकरों को बिना बेहोश किए कर दिया पंच, इतनी तकलीफ में होंगे। बिल्कुल। अबे बताना, उमेश अंसारी का कमेंट है, अबे बताना, अबे क्या बताऊं। अच्छा जी, ताहा खान कहते हैं मानी का राजा लिखवा दें मानी भाई। हाँ, मैंने वो मोरे का पूछा था, मोरा बनेगा तो उसमें क्या लिखवाऊं, तो ये मानी का राजा अच्छा लगा था मुझे, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा असल में, वाइल नहीं तो ठीक है जी। मानी का राजा, राजा ही सही है मेरा ख्याल है यार, अच्छा लग रहा है वैसे, लेकिन ये क्या। अच्छा जी, उमर खुर्रम भाई सलाम अलैकुम, माशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के काम में तरक्की दे, आमीन, और आप के जानवरों को अपनी अमान में रखे, जज़ाकअल्लाह भाई, आमीन। स्वीट मदीना कहते हैं माशाल्लाह, जवेरिया शायद करिए, माशाल्लाह राजा, कैट वेल सोन मानी भाई। अच्छा जी, माशाल्लाह अल्लाह अच्छा राजा माशाल्लाह, ये कोई लंबा कमेंट आया भाई। मानी तुम भी क्या याद करोगे, जाओ तुम, तुम्हें माफ़ किया मैंने मानी। अच्छा राजा का, सॉरी मैं सही से पढूं, राजा। मानी तुम भी याद करोगे, जाओ तुम्हें माफ़ किया मानी भाई। शुक्रिया राजा, तुमने मुझे माफ़ कर दिया राजू, लेकिन मैं समीत को नहीं माफ़ करूँगा नयाब, और ना मैं शामीर को, मैं मी इंजॉइंग द कन्वर्सेशन लाइक अ सास राजा, बहू मानी भाई रमा। नाइस, मैं विश नो, जो भी है राजा, ठीक है जी। ऋषि मेमन, अच्छा वाहज आलम खान का राजा था ऋषि मेमन, कह रहे मानी भाई जो इस ये एयर के बछड़े हैं उनके लिए बेल्ट भी रेडी करवाएं, करीम कैटल फार्म, और उस पे एआर मानी का लोगो, इंशाल्लाह अच्छा आइडिया है, और सैम एंटरटेनमेंट का भी लोगो भाई, ठीक है ना राजा, राजा भाई, राजा ने ओवरटेक कर लिया, खैर हो गई है, कोई बात नहीं है। मानी भाई राजा को रिंग डाल दें, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सुन लिया भाई, मैंने अभी कीकू से बोला ही था, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल है कल या परसों में दलवाता हूँ मैं इसको। पीछे पीछे चलो, पीछे आगे नहीं, हाँ पीछे पीछे। अच्छा जी, हसन मलिक कह रहे हैं हीट के इंजेक्शन का नाम, भाई हमें डॉक्टर ने लगाना है, छोड़ो तुम्हें क्या करना है वैसे, ये भी बताओ ज़रा। उबैदुल्ला कह रहे हैं माशाल्लाह, आरएक्स गेमिंग कह रहे हैं प्लीज़ मुझे कोई बताएगा अगर बछड़ा बछिया पर चढ़ जाए गया तो क्या होता है, मुझे आज तक इस बात का जवाब नहीं मिला, पता नहीं क्यों। अब ये कोई सवाल करने वाला है नहीं बेटा। अच्छा जी, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है, क्या है उसमें। अच्छा जी, फरा जुल्फ़िकार कह रही हैं सॉरी मानी भाई बछड़ों के वनडे पर वीडियो बनाएं प्लीज़। आई गेस मैं बना चुका हूँ, और मेरा नहीं ख्याल कोई इतना ख़ास चेंज है, तो बछड़ों के वनडे पे काफ़ी मरतबा बनी हुई है, समीत के चैनल पे भी मौजूद है, मेरे चैनल पे भी मौजूद है, आप अगर सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह मिल जाएगी आपको। सैफ झांजेब, अच्छा वीडियो कितनी लंबी हो गई समीत लारिफ,
14 मिनट की हो गई है तो जल्दी पढ़ना पड़ेगा, ये मुझे पता भी नहीं कितने कमेंट्स पढ़ चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, पैंथर चला गया? जी बिल्कुल चला गया, मैंने आपसे जिक्र किया था क्योंकि इस मंथ यानी जो लास्ट मंथ था अक्टूबर था ना, हाँ अक्टूबर के महीने के एंड तक कहा था मैंने कि रुकेगा, तो वो अब हो गया, अक्टूबर का महीना पूरा वो चला गया। समीद ने अपने चैनल पर उसकी लोडिंग की वीडियो भी डाली है जब वो जा रहा था, तो आप सैम एंटरटेनमेंट पर देख सकते हैं। अच्छा जी सलमान खान मानी, ये इन्होंने देखो यार बहुत अच्छा लगता है, एक सलमान खान है, एक और भी हैं सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरे साथ मंडी में आई गैस तस्वीर खिंचाई थी, या पता नहीं हाँ मंडी में आई गैस मिलके तस्वीर खिंचाई थी और वो अपने डीपी पे लगाई भी है, तो यार बहुत अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है, मतलब कि यार बंदे ने अपनी डीपी बनाई है। बहरहाल राजा इस बैग मानी भाई, अल्लाह पाक तमाम जानवरों को सेहत दे, आमीन, जजाक अल्लाह भाई सलमान खान भाई। तो ये है मंडी वाइब्स का मानी भाई, आप इसको कुछ ना कुछ बाहर का कुछ खिलाया करें, इसका इसके लिए कभी रोटी ले, कभी चॉकलेट ले, या कभी कोई भी जो आपको समझ आए फ्रूट वगैरह वो दें, ऐसा आपको आपके लिए आपका प्यार भी बढ़ाएगा और इंशाल्लाह राजा ओ और इंशाल्लाह और अच्छा होगा राजा भाई। आपका अच्छा है आइडिया, अच्छा है, मगर जो है ना वो होता है चलता है, कोई दिखाने के लिए नहीं करता, ठीक है ना। अच्छा जी अनीस चौधरी माशाल्लाह शहरियार भाई, काफ़ी टाइम बाद इनके कमेंट्स फिर से आना शुरू हुए, माशाल्लाह शहरियार का है मानी भाई, वेटिंग फॉर डेल्फा। हाँ यार डेल्फा भी इंशाल्लाह होने वाला है, और लास्ट टाइम रमज़ान से पहले हुआ था, इस साल एक साल गुजरने के बाद अभी ये, अब तो खैर थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन ये कि इंशाल्लाह डेट्स के हवाले से काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कब होगा कब होगा, तो इंशाल्लाह भाई सारी चीज़ों की अपडेट्स मिल जाएंगी आपको, और सपोर्ट करें इंशाल्लाह। अभी तक तो ऑफिशियल मीडिया पार्टनर हूँ डेल्फा का, तो होपफुली इस दफ़ा भी डेल्फा में वहाँ पे मुलाकात आप लोगों से लाजमी होगी, तो जब होगा इंशाल्लाह आप लोगों ने लाजमी आना, मैं तो बता दूँगा अपडेट दे दूँगा आप लोगों को, और बहुत जल्द होने वाला ये बात कन्फर्म है। अल्लाह आपको सेहत दे और मज़ा आया वीडियो में, जज़ाकअल्लाह माज़ अहमद कह रहे हैं। अच्छा जी शहरियार ने कोई मेंशन किया है वो 20 पे, वो शायद मैं इसके साथ ही था तब राजा के साथ। अच्छा जी हानिया जानू कह रही हैं यार भाई नहीं कराया करो ये सब, आई गेस पंच पे कह रही हैं, राजा जान लिखवा लें। अच्छा जी सैयद ऑफिशियल कह रहा है ये कि राजा जान लिखवा लें, नहीं यार राजा जान नहीं, माशाल्लाह राजा हलीम, ये एक और भाई आ गए जिनका मैं जिक्र कर रहा था ना, जिन्होंने मेरे साथ सेल्फी के देखे भाई, ये अलीम है एक, ये है एक, वो जो है सलमान, तो यार इन दोनों भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया। उमर ख़ान कह रहे हैं भाई मैं रात में लैपटॉप पे आपकी ये वीडियो देख रहा था, घर शक करने लगे कि पता नहीं क्या देख रहा है बकरों की आवाज़ों से। हाँ वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे उस टाइम पे, तो भाई दिखा देते क्या, आओ साथ देख लो आप लोग भी। तो अच्छा कराची पेट फार्म कह रहे हैं भाई सलाम वालेकुम, ये सलाम वालेकुम क्या होता है, सलाम वालेकुम क्या लिखते हैं आप भाई, ऐसे नहीं लिखते, सलाम वालेकुम लिख दे बंदा या सलाम लिख दे तो बंदा फिर भी समझ जाए, सलाम वालेकुम। मानी भाई मानी आपका नंबर मिल सकता है और मेरा नाम जुहेब खान, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं क्या आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँगा, मैं तो ख़ुद इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ी सी जमा कर रहा हूँ अपनी, 18 मिनट हो गए भाई। अच्छा जी सबसे पहले तो ये क्या एड की पट्टी ख़त्म करो भाई बछड़ियों के सेक्शन से, एड की पट्टी, अच्छा वहाँ पे जो आई गेस पट्टी है ये सब सेट होगा, आप सब्र, मैं सबसे कहता हूँ भाई फार्म पे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होता है, एकदम से एक दिन के अंदर सब कुछ नहीं होता, सब कुछ होगा, सब सेट होगा, खुलिया बन रही है, आप अपडेट देखते रहें, हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा। ये सॉरी शेख नुवैर थे, ठीक है ना। अच्छा आसिम अली अंसारी ये भी काफ़ी कमेंट करते रहते हैं, मानी भाई मैं रात को जल्दी सो गया था पेपर की वजह से, सुबह वीडियो देखी है बाकी लव यू हो गया, दिल और लाफ्टर भेजे उन्होंने, जजाक अल्लाह भाई आपने देखा, अल्लाह आपको कामयाब, जिनके भी पेपर हो रहे हैं भाई अल्लाह उनको कामयाब करे, और जिन उन्होंने दे दिए तो अब तो जो होना है तो वो हो गया,
मानी भाई आप जानवर को खसी करें लेकिन कम से कम एनेस्थीसिया दें, बहुत तकलीफ़ होती है। देखिए तकलीफ़ तो होनी है फरहान साजिद भाई, वेरी नाइस व्लॉग, थैंक्स उमर भाई। शायान गेमिंग कहते हैं मानी भाई आपने बताया नहीं कि चौक बार का भी दूध चल रहा है। बिल्कुल ये उसामा भाई की कॉल थी, मैंने सॉरी काट दी उसामा भाई। अच्छा जी बिल्कुल चौक बार का दूध जो नए ओनर है ना जिन्होंने दिया सुमेर भाई उन्होंने शुरू किया, तो अभी ही शुरू हुआ है बिल्कुल। वो आपने आएंगे समीत की वीडियो में देखा होगा, असल में मैं दूध का पिलाते हुए दिखाने का वो नहीं करता, नज़र लगती है इस वजह से यार, अच्छी बात नहीं लगती ना, तो इसलिए बस और कोई बात नहीं है। तो ये है कि माशाल्लाह राजा शुएब शेख कह रहे हैं राजा। अच्छा जी ये एमडी रुदय है, ये इंडिया नहीं है पता नहीं बांग्लादेश के थे, इनका कमेंट यही आता है ना। ये हमारे आदिल भाई हैं भाई, मेरे बड़े भाई हैं। माशाल्लाह राजा इज़ बैक इन मूड, जी बिल्कुल आदिल भाई। मानी भाई आप व्हाट्सएप पर हैं? यार मैं इस दुनिया में हूँ और इस माशरे का हिस्सा हूँ, कौन इस व्हाट्सएप पर नहीं है? हमारे यहाँ पे किकू अशरफ सुमर भाई सब है यार, तो मैं क्यों नहीं व्हाट्सएप पे? बिल्कुल मैं व्हाट्सएप पे हूँ भाई। अच्छा जी पेट लवर इजान कह रहे हैं गेट वेल सून मानी भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी करना पड़ेगा यार मानी। अब ये आप लोग कमेंट कर नाम पढ़ लीजिएगा, नाम पढ़ने में असल में मुझे मसला ही हो रहा है कि वो और छोटा भी लिखा हुआ होता है, दूसरा जो है ना वो लाइट की फ्लैश चल रही है ना, इस वजह से मेरी आँखें इस पर ट्रेट नहीं हो रही। बहरहाल माशाल्लाह मानिया भाई इज़ ग्रेट, बट बकरों के साथ जो हो रहा है वो गलत है, गुनाह है ये, वाई पीपल कांट अंडरस्टैंड इट। यार नहीं है भाई, आप समझें, हमने मालूम किया हुआ यार, मसाइल जो है ना वो पहले पता कर ले बंदा, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता कोई बात नहीं लेकिन पता करें। अच्छा जी ये एक कमेंट है अबू बकर स्क्वाड का कि मानी भाई प्लीज़ समीत भाई को जानवरों के नाम याद करवा दो, हुस्ने आरा को जाने आरा बोलते हैं, बुलबुल बबली को बुलबुल बोलते हैं और बबलू को ढोलू। समीत यार देखो यार मानी भाई राजा को रिंग डाल दें, बिल्कुल इंशाल्लाह ऐशा उमेर भाई, ओह सॉरी सिस्टर हर कुछ जो भी नाम था। अच्छा जी नाम आप पढ़ लीजिएगा, सॉरी मैं फिर भूल गया। मानी भाई प्लीज़ बता दें कि 5-5 महीने का दुम्बा खस्सी करवा सकते हैं? करवा सकते हैं, टांगे अगर उसकी सही है तो करवा सकते हैं, क्योंकि दुम्बों में अक्सर टांगों का इशू होता है कि वो पीछे की टांगे घुमा देते हैं या आगे की भी, तो उन कैल्शियम की कमी की वजह से ना, तो वो आप उसकी अगर टांगे सही हैं मजबूत है, वैसे तो दुम्बों को ना कराएं तो बेहतर है, दो दांत का हो फिर कराएं, लेकिन अगर अभी 5 महीने का तो थोड़ा रुक के बाद में कराएं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी मानी का राजा, ये आई थिंक वही मोरे पे लिखने के लिए बोला है। मिर्ज़ा बिलाल भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, लाल बादशाह की प्राइस बता दें, मैं वज़ीराबाद से बात कर रहा हूँ, हमने पालना है। यार वो सेल के लिए तो नहीं है ना उसामा भाई, कमेंट का रिप्लाई आप कर दिएगा भाई। आपने काउस के लिए खुली क्यों रखी हुई है? वाई डोंट यू लेट देम ईट एज नेचुरल वे दे डू ग्रेजिंग इन फील्ड एंड आई थिंक मोर दे क्लोज टू द नेचर मोर नेचुरली हेल्दियर दे विल बी। ये तो आपकी सोच है, अगर इन जानवरों को मैं घास चरने के लिए छोड़ दूंगा ना यहाँ पे या कहीं पे भी, तो ये आपने आई थिंक यहाँ पे देखा नहीं है एंजल आइज, आप शायद पता नहीं ये तो पाकिस्तान में या वैसे या वो जो ब्राज़ील के जंगलात समझ रहे हैं, जो वहाँ पे ब्राह्मण बछड़े और बछड़ियाँ ऐसे घूम रही होती हैं और इतनी हेल्दी होती हैं, वो एनवायरनमेंट अलग है, उनको क्या क्या खिलाए भी दिया जाता है, नेचुरल उसमें नहीं होता, तो ये तो आज ही नहीं है, ये तो ऐसे ही सूख के काटा हो जाएंगे सारे, तो ये चीज़ नहीं है, सही है ना। अच्छा जी आखिरी कॉमेंट है इस वीडियो का, ये लास्ट 2 घंटे पहले आया था, शेख नुवैर पैंथर गया तो इसकी आई थिंक लिखने वाले होंगे इसकी जगह उवेस भाई वाले फार्म का जानवर ले आए। नहीं वो नयान भाई ने भी हमें रिक्वेस्ट की थी, जो ऑनर हैं कि यार मानी भाई वो आप वहाँ से आप वो ले आए, तो नहीं यार अच्छी बात नहीं है, उवेस भाई के फार्म पे वो चला गया है, और नयान भाई को भी हमने ये बात समझाई है, वो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर ली है, तो हमारी आपको मैं लेके जाता भी रहता हूँ एक तो जानवरों के उधर भी पास, बाकी वो फार्म भी और ये फार्म भी समझे एक ही है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये भाई लास्ट कमेंट था, मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो इसके बाद कोई कमेंट नहीं आया, तो ये 90+ कमेंट थे, मैंने आपके सामने एक एक करके पढ़ा,
और होपफुली आज की जो है ना आपको वीडियो पता नहीं इंजॉय की है क्या किया है, लेकिन मैंने सोचा यार एक हो जाए कैसे सवाल आते हैं क्या उनके जवाब आते हैं। सलाम क्या है भाई आपको, एक कमेंट में आया था सलाम, ये नसर भाई खड़े थे सामने, मैंने बोला बता दूं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के लिए। इंशाल्लाह अब जो है एक तो एक वीडियो आई जिसमें रिंग डालना है भाई नसर भाई, इसका दिन हो गया ना अच्छे खासे, अब रिंग डाल देते हैं बस। नहीं रिंग सही है ना सर भाई, डाल देते हैं इंशाल्लाह, डाल देते हैं। खाएगा नहीं? नहीं नहीं सही खाएगा इंशाल्लाह। मैं लाफिस कर देता हूँ फिर आपको ज़रा समझाता हूँ। अच्छा जी, बकरों की अपडेट इंशाल्लाह देंगे, बाकी फार्म के भी कहाँ तक काम पहुँचा है और क्या क्या सीन है। तो बस इस वीडियो को एंड करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।